सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए रहमत बनाकर भेजा गया। आपने अपने दस्ते मुबारक से सिर्फ एक पौधा लगाया, और जानते हैं उस मौजज़ाती फल का क्या नाम है? अजवा। प्यारे भाइयों, हज़रत साद बिन अबी वक़ास जैसे कामयाब और ताकतवर सिपह सवार के दिल का इलाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजवा और उसकी गुठली पीस कर उनको खिला दो। बस हो गया दिल ठीक, जोश आ गया। सुबह निहार सात दाने अजवा खजूर खाएगा, उस दिन उस शख्स पर ना कोई जादू असर करेगा और ना कोई जहर असर करेगा। उसके साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप ये समझा जिस मुराद के लिए पिया जाए वो उसी के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर के मुतल्लिक फरमान है कि जो शख्स महीने में तीन दिन मतवातर खाली पेट शहद खाएगा उस महीने उसको कोई बीमारी राहत नहीं होगी। इससे हम अखज कर सकते हैं कि अजवा खजूर जन्नत का फल है। आप जमजम रूही खुराक और सेहत के लिए नहायत मुफीद शहद। आइए जानते हैं कि हुक्मा इसके बारे में क्या जानते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मुकम्मल हस्ती ने इस कायनात को तिब्बे नबी की सूरत में एक मुकम्मल तोहफा बख्शा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इस दुनिया आलम के तबीबे आजम हैं। सना मक्की और सुनो, खून साफ करने के साथ साथ हड्डियों और बवासीर के लिए नहायत मुफीद है, और ये गिरते बालों का भी इलाज करते हैं। ये तमाम मौजज़ाती अशिया यकजा होकर शिफाए मदीना बनती है। हकीम साहब, क्या शिफाए मदीना में तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है? जी हाँ, इस पेस्ट में जो अशिया शामिल है उनमें अजवा खजूर, जिसका पौधा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया था, शहद, ज़ैफ़रान, आबे ज़मज़म, कलवंजी, जैतून, सना मक्की और सनूत, जिनका जिक्र या तो अहदीस मुबारक में मिलता है या फिर अल्लाह ताला की लाहे किताब में। इस्लामिक शहर सेंटर की शिफाए मदीना में जिंदगी का राज छुपा है, हर मर्ज की शिफा है। आइए जानते हैं कि डॉक्टर इसके बारे में क्या जानते हैं। अजवा खजूर में शामिल होते हैं विटामिन बी, विटामिन के और आयरन, जो कि बच्चों और बड़ों की बेहतरीन नशोनुमा के लिए इंतहाई जरूरी है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और फाइबर भी मौजूद है, जो कि ब्लड ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल के लिए बेहतरीन इलाज है। ये दिल की बंद शरियानों के लिए भी बेहतरीन साबित हुआ है। कलवंजी में होते हैं नाइजलॉन, लिनोलिक एसिड, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के साथ, जो कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और इंसान तमाम बीमारियों से दूर रहता है। ज़ाफरान, जो कि जिगर, गुर्दे और मसाने को ताकत बख्शता है। जैतून में होते हैं स्टीमिक एसिड और ओमेगा 9, जो कि इंसान को सैकड़ों बीमारियों से दूर रखता है। शहद ऐसी नेमत है जिसकी अफादियत और फवायद नातदाद है। सना मक्की में शामिल है सेनोसाइड, जो कि बवासीर, दस्त, कब्ज, पेट दर्द और खून की सफाई के लिए इंतहाई मुफीद। सनूत में होते हैं कुछ ऐसे अज्जा जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है। सनूत और सना मक्की का यकजा इस्तेमाल हमारे बालों के लिए इंतहाई मुफीद। इन सब चीज़ों को मिलाकर बनती है शिफाए मदीना, जिसमें हर मर्ज का इलाज है। ये बच्चों और बड़ों के लिए इंतहाई मुफीद है। इस्लामिक शहद सेंटर की शिफाए मदीना, डॉक्टर्स चॉइस। पूरे पाकिस्तान में फ्री होम डिलीवरी के लिए 042-111-222-555 पर अभी कॉल करें।